नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप कुमार और आज हम याद करने जा रहे हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज डलका मारा। डलका मारा की कहानी शुरू करते हैं। एक्चुअली डलका मारा डॉक्टर हनीमन की वाइफ थी। ठीक, अब वो सो रही थी तो सोते सोते डॉक्टर हनीमन ने उनसे कहा कि डलका मारा, मैं तुम्हारे लिए एक मिठाई लेकर आया हूँ, मुँह खोलो अपना। तो वो सोते सोते मुँह खोल देती हैं, लेकिन जैसे ही वो मिठाई उनके मुँह में रखते हैं वो होती है बहुत कड़वी। तो बोले ये क्या था? बोले ये बिटर स्वीट था। ठीक है, कड़वी मिठाई थी। ठीक, तो वो जो डलका मारा जी होती हैं उनको बहुत परेशान होती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, वो ये क्या चीज़ थी, इतनी कड़वी चीज़ मेरे मुँह के अंदर रख दी। ठीक, तो यहाँ से आपके दो तीन सिम्टम कवर हो गए हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? डॉक्टर हनीमन ने डलका मारा को बिटर स्वीट सोते वक्त दे दिया था। ठीक, तो यहाँ से मेडिसिन मेडिसिन का नाम डलका मारा, प्रूवर हो गए हमारे डॉक्टर हनीमन, कॉमन नेम हो गया बिटर स्वीट, एंड फैमिली दैट इज सोलेनेसी, सोते वक्त दिया था सोलेनेसी। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही बिटर स्वीट उनके मुंह में गया आपका पूरा कड़वापन हो गया, और वो तो इतना ज़्यादा कड़वा था कि वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई वहाँ से। ठीक है, इरिटेट हो गई। इरिटेट होने के बाद ना उन्होंने ठंडी देखी ना गर्मी देखी, पागलों जैसी हो गई, साइको जैसी हो गई, और घर से सीधी भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें और हमने कंप्लीट कर ली हैं। टेम्परामेंट इरिटेबल, थर्मल नेदर चिली नॉर हॉट एंड माइज्म सोरा एंड साइकोटिक। ठीक है, सो रही थी और साइको हो गई सोने उठ के उठने के बाद। ठीक, तो साइकोटिक। अब क्या होता है कि वो इतना कड़वा था कि उनका दिमाग खराब हो गया और वो भागना शुरू कर दिया। अब घर में से जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर हो रही थी बारिश। ठीक है, बारिश में उनकी सारी दिक्कतें जो थी वो बढ़ जाती थी। ठीक है, बारिश के मौसम में। अब ये बात वो जानती तो थी, लेकिन अब तो वो साइको हो चुकी थी। ठीक है, कंट्रोल में था ही नहीं कुछ। अब वहां से भागना स्टार्ट कर देती है, जैसे ही पहला पैर अपना बारिश के पानी में रखती हैं, उनकी जो यूरिन होती है वो अपने आप निकल जाती है। ठीक, यूरिन जो थी वो अपने आप निकल जाती है, लेकिन अब वो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, साइको हो चुकी थी। अब वो भागे जा रही हैं, और जैसे जैसे धीमे धीमे करके क्या हो रहा है कि बारिश का जो पानी है उनके मुंह के अंदर जा रहा है, लिटिल कोल्ड। ठीक है, हल्का सा भी ठंडापन उनके मुंह के अंदर जा रहा है, उनकी जो यूरिन है वो बार बार आ जा रही है। ठीक है, पैर रखते ही आई थी, थोड़ी देर आगे फिर से आ गई, फिर से आ गई, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो यूरिन की बढ़ती चली जाती है थोड़ा थोड़ा कोल्ड लेने पर। और यूरिन कैसी आ रही है? वे लाइक, मांड लाइक। ठीक है, चावल का जो मांड होता है वैसी एकदम मिल्की वाइट यूरिन आ रही है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमने दो तीन सिम्टम और कवर कर लिए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट सिम्टम, एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ट्रबल्स ब्रॉट ऑन और एग्रावेटेड बाई एक्सपोजर टू कोल्ड डैम्प रेनी वेदर। देन इनवॉलेंट्री यूरिन फ्रॉम पुटिंग योर फीट इन कोल्ड वाटर। देन फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज इंक्रीज ऑन टेकिंग अ लिटिल कोल्ड एंड वे लाइक एंड मिल्की यूरिन। ठीक है दोस्तों, अब क्या था कि वो बारिश में भागी तो जा रही थी, अब आसपास कीचड़ था। ठीक, थोड़े आगे भागने के बाद उनका पैर एक पत्थर में टकराया और वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गई, सीधी की सीधी गिरी, मतलब अम्बिलिकल के बल। ठीक, मतलब उनका जो पेट था वो सीधा जमीन में टकराया। ठीक, अब क्या हो रहा है, अम्बिलिकल से उनका जमीन में टकराया था तो उस रीजन के आसपास पेन हो रहा है उनको। ठीक है, अम्बिलिकल के आसपास बहुत ही शूटिंग पेन हो रहा है उनको, और धीमे धीमे करके क्या हुआ कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, गिर गई थी ना, लग गई थी। ठीक है, NSR का स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी। ठीक, उससे पहले वाला सिम्टम, रीजनल अफेक्ट्स पिंचिंग एंड शूटिंग पेन अबाउट अम्बिलिकल अगेन एंड अगेन। ठीक है, एंड NSR का स्वेलिंग इन ऑल ओवर द बॉडी। साथ ही साथ में क्या हुआ था, जैसे वो गिरी थी तो कैटेराल मतलब इन्फ्लामेशन हो गया था उनको बॉडी के अंदर। ठीक, वो इन्फ्लामेशन तो हो ही गया था, साथ ही साथ में जो यूरिन थी उनकी जो पहले से निकल रही थी वो और निकलने लगी। ठीक है, साथ में स्टूल भी निकल गया उनका एकदम से। ठीक, स्टूल भी निकल गया, मतलब जो भी डिस्चार्जेस थे बॉडी के अंदर से वो सारे के सारे बढ़ गए। ठीक, सारे के सारे जो थे डिस्चार्जेस वो सारे के सारे बढ़ गए, लाइक सलाइवा है ना, मुंह में स्पुटम का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक, इन्फ्लामेशन हो गया था अंदर, बाहर स्वेलिंग अंदर इन्फ्लामेशन। ठीक है, हम दो तीन सिम्टम और कवर कर लिए हैं, देख लेते हैं। कैटेरल कंडीशंस एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस सच एस यूरिन, स्टूल, लूज स्टूल, सलाइवा, म्यूकस इन रेस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, वो धीमे धीमे करके फिर उनको होश आया, बोले ये क्या था। फिर वो धीमे धीमे करके घर जाती हैं, और घर पे जाके डॉक्टर हनीमन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो फिर पूछते हैं उनसे, क्या हुआ, अरे ये क्या कंडीशन, तुमने क्या हाल बना के रखा है अपना, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। तो वो कहती, वो बता ही नहीं, बता, मैं जा रही थी तो गिर गई, हाँ गिर गई मैं, मतलब कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड टू से एनी थिंग। ठीक है, वेरी कन्फ्यूज,
कंफ्यूज थी वो, क्या शब्द कहना उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद में क्या होता है, देयर इज मेंटल कन्फ्यूजन, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। ठीक, फिर डॉक्टर हनीमन क्या करते हैं, आग जला देते हैं, उसे कंबल उड़ा देते हैं, ठीक है, वार्म्थ गर्मी देते हैं, उससे क्या होता है उसको अच्छा लगता है। ठीक है, जनरल रिलीव्ड बॉय बाय वार्म्थ। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था कि वो जो गिरी थी तो इस ऐसे करके गिरी थी, सामने की तरफ गिरी थी, जिससे जो मेन कीचड़ थी वो तो पूरी बॉडी पे तो लगी थी, लेकिन उनके हाथों पर और फेस पर ज़्यादा लगी थी, जिसके कारण क्या होते हैं वहाँ पर इरप्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, वाटी इरप्शंस होने लगते हैं वहाँ पर, लार्ज फ्लैसी स्मूथ वाट लाइक इरप्शंस ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली फेस एंड डॉर्सम ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये फिंगर्स वगैरह पे वॉट वगैरह होने लगते हैं उनको। अब डॉक्टर हनीमन को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं इनको फीवर आने वाला हो। ठीक है, तो वो चेक करते हैं तो इरप्शंस तो होते हैं लेकिन कोई फीवर नहीं है उनको दिखाई दे रहा होता। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रखी है वो तो। ठीक, अर्टिकेरिया एंड अदर वेरियस स्किन ट्रबल्स ऑल ओवर द बॉडी विदाउट फीवर। ठीक है दोस्तों, अब वो देखते हैं कि फीवर वगैरह तो है नहीं और आगे बढ़ते हैं। अब वो हनी जो डलका महाराज जी हैं वो कहती हैं, अरे ये कोई चिंता मत करो आप, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्या होता है मेरे जो मेंसेस आने वाले होते हैं ना, ये हमेशा उनसे पहले इरप्शंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान मत हो। रैशेस एंड इरप्शंस ऑन द फेस एंड आर्म्स बिफोर मेंसेस। ठीक है, उसके बाद वो धीमे धीमे करके जैसे ही वो ओढ़े रहती हैं और आग सेकती रहती हैं उनको रिलीफ मिलता है और फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। साथ ही साथ हमने एग्रवेशंस और एमिलरेशन दोनों कवर कर लिए हैं, कोल्ड डैम्प वेदर, डैम्प रेनी वेदर, कोल्ड एयर, एग्रवेशंस एंड एमिलोरेशन में वार्म ड्राई वेदर एंड वार्म एयर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में। नमस्कार।